तो क्या हाल है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्हें दूसरों की गांड मुंगली करने में बड़ा मजा आता है। ये चिरांदी कीड़े ज्यादातर पार्कों में पाए जाते हैं और जब कोई बंदा इनकी नाजायज हरकतों से परेशान होकर इनकी गांड तोड़ता है तो ये बस इतना कहते हैं कि भाई साहब हम तो मजाक कर रहे थे, वो देखिए कैमरा लगाए प्रैंक वीडियो बना रहे थे। इस दुनिया में इतनी बीमारियां नहीं है जितने प्रकार के यहाँ प्रैंक मिलते हैं। प्रैंक के नाम पे ये लोग किसी पे पानी फेंक सकते हैं तो किसी की पप्पी ले सकते हैं, किसी के चूचे खींच सकते हैं तो किसी की गांड मार के भी कह सकते हैं कि भाई साहब हम तो प्रैंक कर रहे थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और ये सारे प्रैंक लड़कियों के साथ मिलेंगे जिसमें वो लड़की क्यूट होगी या फिर हॉट। लड़कियों के साथ प्रैंक करना ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। प्रैंक के नाम पे फुल अश्लीलता फैला रखी है। तो चलो फिर शुरू करें। रुको जरा, सबर करो। कौन? मैं सेल्समैन हूँ मैडम। क्या काम है? मैं तेल का प्रोडक्ट में ये करता हूँ। पहले उठ और जा यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं नहीं जानती तुमको, तुम कौन हो, जाओ। मैंने तो सोचा था ये खिलाड़ी निकलेगा लेकिन ये तो फफूंदी का पाद निकला। वीडियो के शुरू में इतनी गंदी बेइज्जती करा ली। वैसे इन्हें अपनी बेइज्जती कराने की आदत पड़ चुकी होती है। सुबह से शाम तक जिल्लत का सामना कर करके ये बेचारे एक वीडियो कंप्लीट कर पाते हैं। कौन? मैं सेल्समैन हूं मैडम, तेल का प्रोडक्ट में ये करता हूं। पहले उठ और जा यहां से, निकल यहां से। मैं नहीं जानती तुमको, तुम कौन हो, जाओ। पहले जरा कोई इस मैडम के ओवर एक्टिंग के लिए इसके पिछवाड़े से तालियां बजवाओ। इतनी गंदी ओवर एक्टिंग करता कौन है? हमें पता है तुम्हारा ये भाई बहन वाला प्रैंक फुल स्क्रिप्टेड है, बट एक्टिंग तो नेचुरली करो। और इस बंदे ने तेरे डोर पे आके बेल नहीं बजाई, जो तू बोल रही है कौन? फुल केकड़े वाले शरीर के साथ तेरे सामने खड़ा है, दिख तो रहा ही होगा ना कि कौन है। और मैडम उसको जाने के लिए ऑर्डर तो ऐसे दे रही है जैसे ये गंदी थूत वाला जानवर जबरदस्ती इसके बेडरूम में घुसाया हो। कंपनी है तेल का, तो उसमें कैसा मसाज लगाते ना, मसाज करते वही करते। इधर करो। हाँ। पक्का? हाँ। आपको कैसा है, मतलब अच्छा लग रहा है? मच बेटर। यार भाई ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? मतलब शुरू में इतनी ज्यादा शरीफ बनके उसकी इंसल्ट करी और अब खुले में ही मसाज चल रही है और लोंडे ने ठीक से 2 सेकंड भी सर्विस नहीं दी है और मैडम को इतना आनंद आ गया कि सब मच बेटर लग रहा है। बैक पे करो, पीठ पे। अरे वो खड़ा होके करते ना, पीठ पे करना। हाँ वही, आप इधर करो, नीचे झुक जाओ ना। ये भोसड़ी वाले प्रैंक के नाम पे पोर्न बना दे रहे हैं। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से लोंडो की धार ठीक नहीं हो रही है और ये गुलगुले की बड़ी बहन इतनी ज्यादा शरीफ है कि बंदे के कहने पे सारे ऑर्डर फॉलो कर रही है। इसकी ये हरकत देख के मैं पक्का बता सकता हूँ कि इसका बॉयफ्रेंड और एक्स वाई जेड सबको इसने बहुत खुश रखा होगा। ब्रेकअप की वजह ये नहीं वही लोड़ू बने होंगे। और क्या? अरे अरे झुक रहे हो, क्या हो रहा है? अरे बस बस खड़े हो जाओ। यार ये चल क्या रहा है? भैंचो सारा काम आज खुले में ही हो जाएगा, इसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। मसाज के लिए जितनी बार ये झुक चुकी है ना उससे ये जरूर मालूम होता है कि ये बहुत झुकी हुई औरत है। इसकी वजह से कभी कोई रिश्ता खराब नहीं हो सकता और मैंने अब तक ये सुना था कि रिश्ते निभाने के लिए या रिश्तों को बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन ऐसे मसाज कराने के लिए भी झुकना पड़ता है ये आज पहली बार देखने मिला है। और ये छोटे बच्चों की इज्जत लूटने वाली औरत इस पीले सूट में ऐसी लग रही है जैसे किसी बंदे ने टट्टी करके इसके सूट से गांड पहुंची हो। इसने ये सूट ये सोच के पहना होगा कि इसमें पूरी सूरजमुखी लगेगी, लेकिन जैसे ये मसाज कराने के चक्कर में है ना, मैं बता रहा हूँ बाद में इसकी कमर इसको और दुखी दुखी सी लगेगी। और किधर करूँ आपका मसाज? आप मेरे पे ज्यादा ये लग रहे हो। करो हाथ पे, करो ये वाले हाथ में भी करो। हटा रहे सच? अरे नहीं नहीं रख दो रख दो, कुछ नहीं। अच्छा लग रहा है आपको? ये गरीबों की फूलंदे भी फ्री में मसाज का फुल मजा लेकर मानेगी। और साला मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको 2 सेकंड हाथ दबाने में इतना रिलैक्स कहां से आ जा रहा है, मसाज की फुल बेइज्जती कर रखी है। और इस चमत्कारी टट्टे ने शुरू में ही बोला था कि ये तेल की मसाज करता है, भैंचोद पूरी वीडियो खत्म हो गई, इसका तेल नहीं निकला। ये वही लोंडे हैं जो पार्कों में ऐसी अश्लील हरकतें करने के बाद बाथरूम में जाकर उसकी दीवारें सफेद करते हैं और अपने गंदे कच्चे भी खुद ही धोते हैं। तो यार गाइस बस आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले यार। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई को सपोर्ट करो।